हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेखा नीटिंग। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा पैटर्न है, बहुत खूबसूरत है। ये इतना प्यारा है कि इसे ऐसा लगता है कि बस देखते रहे। देखिए ये आपको जो ये नजर आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी है। देखिए और छोटे छोटे ऐसा भी लगता है कि ये रोज फ्लावर है, लेकिन मुझे स्ट्रॉबेरी जैसे लग रहे हैं। आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन बहुत प्यारा है। बेबी स्वेटर के लिए इतना खूबसूरत पैटर्न है कि मैं क्या बताऊं। और गर्ल्स टॉप में भी बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी तो आपकी इच्छा है, कार्डिगन में भी बना सकते हैं ये वाला पैटर्न। आप देखिए ये रॉन्ग साइड है और तीन कलर में ये बनेगा। आप कोई भी एक ये वाला ग्राउंड कलर जो होता है ये वाला लीजिए, और बाकी ये दो कलर तो आप रेड और ग्रीन ही रखिएगा। रेड की जगह आप पिंक भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये पत्तियां हैं तो पत्तियां ग्रीन ही होती हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये वाला जो पैटर्न है हमारा, देखिए ये कितने फंदों पर बनता है। ये आठ फंदों पर बना है ये पैटर्न, और इसके लिए हमें फंदे चाहिए। आठ के मल्टीपल में सात फंदे ऐड करने हैं। इस तरह से हमारा पैटर्न ये बनेगा। एक बार हम ये वाली एक रो हम बनाते हैं फूलों की, उसके बाद अगली रो जब हम बनाएंगे तो दो फूलों के बीच में एक फूल आएगा। इस तरह से यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, तो इस तरह से बनता है ये। और तीन चार सिलाई मैंने ये बीच में प्लेन बनाई है, ये जो हमारा बेस कलर है इससे। तो चलिए फ्रेंड्स बनाकर देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाले हैं 23 स्टिचेस, 8 के मल्टीपल में 16 और प्लस 7, तो ये 23 हुए। ये मैंने दो बेसिक रो इसमें बनाई है, कोई बॉर्डर नहीं बनाया है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंदा ये स्टिच है, मैंने स्लिप कर लिया। इसके बाद हम दो फंदे सीधे बुनेंगे बेस कलर से, और यहां पर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने ये ग्रीन कलर इसमें ऐड कर लिया है, और यहां पर हम ग्रीन कलर से इस वाले फंदे में चार फंदे बनाएंगे। एक, और थोड़ा इसको लॉन्ग बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर दूसरा फंदा बनाएंगे। ये दो हो गए, इसको भी लॉन्ग ही रखेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर तीसरा फंदा बनाएंगे, तीन, फिर धागा आगे करेंगे, फिर चौथा फंदा बनाएंगे। तो इसमें से हमने चार फंदे बना लिए हैं लॉन्ग करके, और ये हमने निकाल दिया। अब इसे हम पीछे कर लेंगे, और अब यहां पर हम सात फंदे बुनेंगे व्हाइट कलर से। एक, दो, तीन, चार, और यहां पर हम ये धागा इस तरह से ले लेंगे। पांच, छः, और ये सात। तो ये सात फंदे हो गए हमारे। देखिए फिर यहां पर हम यही करेंगे, ये हम इसमें से चार फंदे बनाएंगे। एक, और ये दो, तीन, चार, चार हो गए। इसे पीछे कर लेंगे, फिर से सात फंदे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, धागा दबा लेंगे इस तरह से। पांच, छः, और ये सात, और फिर यहां पर हम चार फंदे बनाएंगे ग्रीन कलर से। एक, दो, तीन, और ये चार, ये चार हो गए। फिर हम इसे पीछे कर लेंगे, और अब ये तीन फंदे हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास यहां तीन फंदे हमने व्हाइट बनाए थे, ये हम व्हाइट कलर से सीधे बना लेंगे। दो फंदे ये बुनाई के और एक फंदा स्टिच। ये थी हमारी फर्स्ट रो। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर।
ये देखिए ये व्हाइट फंदे हम व्हाइट ही बनाएंगे, उल्टे तीन फंदे हमने व्हाइट बना लिए। और ये जो ग्रीन वाले फंदे हैं ये हम स्लिप करेंगे और फिर व्हाइट वाले फंदे व्हाइट बनाएंगे। लेकिन हमें एक चीज करनी है, ये जो ग्रीन वाला धागा है ये हमें साथ साथ लेकर चलना है, नहीं तो ये इधर ही रह जाएगा और अगली बार जब हम फ्लावर बनाएंगे फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम ये धागा इस तरह से साथ लेकर चलेंगे। ग्रीन धागा भी एक ही सिलाई में यूज होता है और रेड धागा भी, तो उसे इसी तरह से हमें साथ में लेकर चलना होता है दूसरी साइड ले जाने के लिए। तो हमें ये दूसरी साइड लेके जाना है धागा साथ में। और ये हम स्लिप कर रहे हैं और ये धागा साथ लेकर चल रहे हैं इस तरह से। ये थी हमारी दूसरी सिलाई और ये है तीसरी सिलाई। ये फर्स्ट स्टिच है, ये मैंने स्लिप कर लिया। अब देखिए ग्रीन के ये चार बनाए थे हमने एक में से, ये जो दो है और ये दो, तो ये हम ट्विस्ट करेंगे। ये ग्रीन वाले दो फंदे आगे ले आएंगे और ये जो व्हाइट वाले हैं ये पीछे ले जा लेंगे इस तरह से। ये सिलाई पर रखेंगे और इनमें से एक फंदा व्हाइट वाला इन ग्रीन के साथ बुन देंगे। ये बना दिया, फिर ये वाला व्हाइट हम सीधा बनाएंगे। ये बना दिया। अब देखिए जिस फंदे में से हमने ये ग्रीन वाले चार फंदे बनाए थे उसी फंदे में यहां देखिए यहां सिलाई डालेंगे और यहां से एक फंदा निकालेंगे, एक लूप यहां से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया और अब इधर से एक फंदा लेकर आएंगे। ये एक फंदा इधर ले आए हम और ये फंदा भी हमने सीधा बना लिया। तो देखिए ये बीच में तीन फंदे हो गए हमारे, ये तीन फंदे हो गए और अब ये दोनों फंदे इसके साथ इस वाले के साथ इस तरह से बैक लूप से बनाएंगे इस तरह से। तो हमने चार फंदे उठाए थे और वो चारों ही फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए हैं और एक फंदा जो जिसमें से ये फंदे हमने बनाए थे वही फंदा हमने यहाँ से दोबारा उठा लिया है। तो अब यहाँ पर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और ये तीन। फिर से यही प्रोसीजर अपनाएंगे, ग्रीन में से दो फंदे आगे लेकर आएंगे और ये दो फंदे पीछे जाएंगे ऐसे, और इनमें से एक फंदा इन ग्रीन के साथ बुन देंगे सीधा और ये फंदा सीधा बुनेंगे। और यहां से देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से हमने ये चार फंदे बनाए थे इसी में से हमें एक फंदा बनाना है। ये बना लिया और अब उधर से एक फंदा लेंगे आगे बैक साइड से और ये ग्रीन वाले पीछे चले जाएंगे और ये फंदा सीधा बना लेंगे और ये दोनों ग्रीन फंदे इस वाले फंदे के साथ सीधा बना लेंगे बैक लूप से। फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और ये तीन। फिर यही करेंगे, ये दो फंदे पीछे लेके जाएंगे ये हमने पीछे ले लिए हैं दो फंदे और एक फंदा इन ग्रीन के साथ सीधा बना लेंगे। फिर ये फंदा सीधा बना लेंगे और इसके बीच में से देखिए इसके बीच में से इस फंदे में से एक फंदा हम ड्रॉ करेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे। ये कर लिया और उधर से एक फंदा इधर लेके आएंगे बैक साइड से, ये सीधा बना लेंगे और इन ग्रीन के साथ एक फंदा और बुन देंगे। और ये हमारा स्टिच है, ये भी सीधा बना लेंगे हम। तो ये थी हमारी
तीसरी सिलाई। अब आ जाते हैं हम रोंग साइड पर, ये है चौथी सिलाई, पूरी उल्टी आएगी व्हाइट कलर से। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो या जो सीखने के लायक हो। तो ये पूरी सिलाई उल्टी आएगी, ये मैं उल्टी बना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और ये है पांचवी सिलाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड कलर, ये मैंने ऐड कर लिया है। अब देखिए ये जो स्टिच है ये हमने स्लिप कर लिया और अगले दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये सीधा बुन लिए। अब देखिए ये जो बीच वाला फंदा है जो हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, इस वाले फंदे के नीचे यहाँ यहाँ सिलाई डालेंगे और यहाँ पर हम बबल बनाएंगे। यहाँ पर हम रेड कलर से पांच फंदे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे एक थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे, धागा ऐसे लपेटेंगे घुमाएंगे, ये दो हो गए, तीन चार और ये पांच, पांच हो गए। ये हमने धागा निकाल दिया, सॉरी फंदा निकाल दिया। फिर ये हम वापस इस सिलाई पर ले लेंगे पांचों फंदे इस तरह से और इन्हें सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। अगेन सिलाई पर लेंगे इन्हें, लेफ्ट वाली पर, ये हमने वापस सिलाई पर ले लिए और फिर से इन्हें हम सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर से इन्हें सिलाई पर ले लेंगे, हमें तीन बार सिलाई पर लेने होंगे ये वापस। इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब यहां से हम तीन फंदे, देखिए तीन फंदे ऐसे बैक लूप से तीन फंदे एक साथ बुनेंगे, धागा ऐसे नहीं घुमाएंगे, धागा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये बुना नहीं जाएगा, मुश्किल से बुना जाएगा। वैसे बुना जा रहा है लेकिन अगर हम ऐसे लेंगे इसमें ऐसे तो ये इजीली आ जाएगा। ये देखिए आपकी इच्छा है वैसे ले लें चाहे वैसे ले लें। अब ये वाले दो फंदे जो बचे हुए हैं इन्हें हम इस तरह से दो का एक बना लेंगे, आगे से ये दो का एक बना लिया और ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो एक फंदे में से हमने ये पांच फंदे बनाए थे, वापस हमारे पास एक ही फंदा है। अब देखिए फिर से हम ये फंदे बुनेंगे सात, एक दो तीन चार और ये रेड वाला धागा इस तरह से सात लेकर चलेंगे, पांच छः और ये सात। फिर से इस वाले फंदे में, ये देखिए बीच वाला फंदा है, इस वाले फंदे में से हमें पांच फंदे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच और इसे निकाल देंगे। फिर ये सिलाई पर ले लेंगे पांचों फंदे, ये सिलाई पर ले लिए हमने और अब ये पांचों फंदे सीधे बनाएंगे, दो तीन चार पांच। फिर इन्हें लेफ्ट सिलाई पर लेंगे, फिर ये पांचों फंदे बुनेंगे। आप ये जो मैं बना रही हूं फ्लार, ये आप सात फंदों का भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इसमें से पांच फंदे बनाए हैं, आप सात फंदे भी बना सकते हैं यदि ऊन बारीक है तो, और यदि ऊन मोटी है तो पांच रखें या फिर तीन रखें, नहीं तीन तो कमी रहेंगे, पांच ही रखें। वापस ले आई हूं मैं इन्हें सिलाई पर और अब हम तीन फंदों का एक बनाएंगे बैक लूप से इस तरह से और इन दो फंदों को फ्रंट से
ऐसे फ्रंट साइड से एक साथ बुनेंगे, इनका एक बना लेंगे, इनका एक बना लिया और ये फंदा इसके ऊपर से क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस कर दिया और फिर ये अगले सात फंदे व्हाइट बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये धागा साथ में इस तरह से ले लेंगे, दबा देंगे, पांच छः सात और ये देखिए बीच वाला फंदा है, इसमें फिर से हम यही बनाएंगे, पांच फंदे बनाएंगे इसमें से, एक दो तीन चार और ये पांच और फिर इन्हें सिलाई पर ले लेंगे और फिर इनका हम यही बनाएंगे जैसे हमने बनाया है फ्लावर बबल कह लीजिए, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर से इन्हें सिलाई पर ले लेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर से एक बार बुनेंगे, दो बार बुनते हैं इसे। और ये भी मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये लॉन्ग नहीं करना है, ये शॉर्ट करना है, तो आप एक ही बार बुनें, मैं दो बार बुनती हूं। तो अब हमें क्या करना है, तीन फंदों का एक बनाना है बैक लूप से, और फिर दो फंदों का एक बनाना है फ्रंट लूप से, और ये फंदा इसके ऊपर से उतार देना है, ये उतार दिया और ये लास्ट के जो तीन फंदे हैं ये हम सिंपल बना लेंगे सीधे। तो ये थी हमारी पांचवी सिलाई, ये देखिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आ जाते हैं हम रॉन्ग साइड पर, ये सिलाई पूरी उल्टी आएगी व्हाइट कलर से, और ये वाला धागा रेड वाला फिर हमें ऐसे ही लेके जाना है जैसे हम ग्रीन वाला धागा लेकर गए थे, देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसे साथ लेकर चलेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई, ये देखिए फ्रेंड्स छह सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें तीन सिलाई और बनानी है, ये क्योंकि हमने रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई ये उल्टी बनाई है इस कलर से, बेस कलर से, अब हमें राइट साइड से पूरी सिलाई सीधी बनानी है और फिर रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई सीधी बनानी है। तो ये हमारी हो जाएंगी इस तरह से चार सिलाई, तीन सिलाई हो जाएंगी, सॉरी एक और ये दो और फिर रॉन्ग साइड से एक और आएगी तो वो तीन हो जाएंगी। तो ये पूरी सिलाई हमारी सीधी आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स सात सिलाई हो गई है, अब आठवीं सिलाई रॉन्ग साइड से उल्टी आएगी, ये भी मैं बना लेती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स ये आठ सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, आठ सिलाई पर ये हमारा जो फ्लावर है एक कंप्लीट हो जाता है। अगले वाला फिर हम बनाएंगे, देखिए ये दिखाई दे रहा है ये बीच में है, सेम बनेंगे लेकिन बीच में आ जाएगा, ये जो हमारे ये तीन फंदे थे इन तीन फंदों के बीच वाला फंदा होगा उस पर ये फ्लावर बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे जो हमने पहले सीधे बुने थे, इस पर ये फ्लावर बना था ये भी हमने सीधा बना लिया। इसके बाद देखिए यहां तक ये छह फंदे हैं और इसके बाद हैं फिर तीन फंदे ये जो बीच में बचे थे। अब इन तीन फंदों के इस वाले फंदे पर, बीच वाले फंदे पर ये फ्लावर बनेगा, तो एक फंदा और हम बुनेंगे। तो ये हो गए हमारे कितने सात, ये सात ही फंदे हो गए और बीच वाले फंदे पर अब हम फ्लावर शुरू करेंगे।
तो यहाँ पर ये चार फंदे बनाएंगे, एक में से दो, तीन और ये चार, चार हो गए। उसके बाद फिर से हमें व्हाइट कलर से सात फंदे बनाने हैं, एक दो तीन, चौथा फंदा ये होता है हमारा, देखिए जिस पर ये फ्लावर बना है, चार पांच, सॉरी ये मैंने आगे ही रखा, इसे पीछे करना है पहले धागे को, ये मैं धागे को पीछे कर लूं, ये धागा पीछे कर लेते हैं और फिर यहां पर सात फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, और ये धागा साथ में लेकर इस तरह से चलेंगे, दबा लेंगे इसे, पांच छः और ये सात। ये देखिए ये बीच वाला फंदा है, इस वाले फंदे पर फिर से फ्लावर बनेगा, चार फंदे बनेंगे, एक दो तीन चार, और इसे हम पीछे कर लेंगे और फिर ये लास्ट वाले सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच छः और ये सात। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अगले वाले पैटर्न की शुरुआत करके आपको बता दिया है, उसके बाद बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है जो हमने ये बनाया है। जब आप ये वाली सिलाई बनाएंगे तो ये ग्रीन वाला धागा आपको साथ लेकर चलना है, इसे दबाते चलेंगे साथ में ताकि ये इधर आ जाए। फिर जब आप रेड कलर का ये फ्लावर बनाएंगे, फिर रेड कलर का धागा भी उधर से इधर लेकर आना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा, और आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। देखिए कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी लिखकर जरूर बताएं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये डिजाइन कैसा लग रहा है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।